तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं स्पाइनल एनास्थेसिया। कोई पेशेंट का लोअर पोर्शन में ऑपरेशन का टाइम जो एनास्थेसिया देता है, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल एनास्थेसिया, बॉडी जो एनास्थेसिया, तो कैसे दिया जाता है, कौन सा डायग्नोसिस होता है, पूरा वीडियो देखते रहना। तो जो जो चीज़ लगता है हम लोगों को, स्पाइनल ट्रे लगता है, कार्डशीट लगता है, सर्जिकल ग्लव्स लगता है, स्टेराइल सिरिंज लगता है 2 ml एंड 5 ml का, 26 का ग्रेस का, और जो लगता है स्पाइनल नीडल 25 का, 26 का, 27 का। मेन जो डाग हम लोग को एनाइन हैबी हम लोग देता है, हम लोग मेन इंजेक्शन, उसके बाद हम लोग जरूरत होता है स्प्रिट, हम लोग बिडाइन सॉल्यूशन, सेवलॉन, माइक्रोपोर, लॉक्स 2% इंजेक्शन, डेक्सटोमिड इंजेक्शन, क्लोनियन इंजेक्शन और रोपिन इंजेक्शन। ये हमारा स्पाइनल ट्रे है, जो हम लोग को चीज़ हम लोग डर लगता है सर दिखाया। तो कैसा दिया जाता है स्पाइनल एनास्थेसिया वो दिखाएंगे। एक स्टेराइल प्रोसीड्योर है, ऑटोक्लेविन स्पाइनल ट्रे हम लोग को दिया है, उसके बाद हम लोग को स्टेराइल हम ग्लव्स देंगे, सब कुछ स्टेराइल करके देना पड़ता है, नहीं तो हम लोग प्रोसीड्योर में हम लोग को इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है। अभी धीरे धीरे हम लोग को सिरिंज हम लोग ट्रे में हम लोग दे देंगे, उसके बाद हम लोग को स्टेराइल गॉज देंगे, इसके बाद हम लोग को जो काटना है सॉल्यूशन दे देंगे हम लोग को, बिटाडीन सॉल्यूशन पेंट के लिए। जो साइज का हम लोग को स्पाइनल नीडल लगता है वो हम दे देंगे, जैसे हम लोग को 25 गेज का हम लोग नीडल दे रहा है। और जो करना है माइक्रोबोट को काट के रखना है, ये लास्ट में हम लोग को जरूरत होता है। तो स्पाइनल डग देने का पहले अच्छे से पेंट करना पड़ता है, क्योंकि बाद में हम लोग को इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए अच्छे से पेंट करने के बाद ड्रग लोड करके लेंगे। तो पहले हम लोग लॉक्स 2% हम लोग को लोकल एनास्थेटिक ड्रग हम लोग लोड करेंगे, और एक्सपायरी डेट हम लोग को देख के ये डग देंगे। तो ये डग हम लोग अभी लोड कर रहा है, इसके बाद जो करना है मेन जो डग होता है एनोइन हैबी इंजेक्शन, वो भी हम लोग को लोड करके रखना है। तो ये जो डग है हम लोग को 4 ml एम्पुल में आता है, तो ये हम लोग को तोड़ने के बाद ऐसे करके देंगे। देने के पहले और एक बार क्रॉस चेक करेंगे एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, वो करेक्ट डग हम लोग को है कि नहीं, वो देखे उसका हम लोग को लोड करेंगे। अभी नेक्स्ट जो टेप होता है तो हम लोग को स्पीड देकर हम लोग को जिधर बिटाडीन हम लोग को पेंट किया था वो क्लीन करना है, क्योंकि केमिकल मेनिंजाइटिस होने का चांस हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग को अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसका बाद डेपिंग करना है, डेपिंग करने के बाद कौन सा लोकेशन में डाग देंगे वो मार्क करेंगे। तो जैसे लामा 2 और 3 के अंदर हम लोग को डाग देंगे, तो हम लोग को पहले लोकल एनास्थेटिक जो डाग है लॉक्स 2% वो इंजेक्ट कर रहे वो एरिया को हम लोग को असर करने के लिए। स्पाइनल एनास्थेसिया देने का टाइम पेन हो सकता है, इसलिए ये हम लोग को लोकल एनास्थेटिक डाग दिया है। अभी जो करना है अभी उसको निकाल के हम लोग को स्पाइनल नीडल हम लोग को घुसाएंगे। लंबर फटी बर्ड 2 और 3 का बीच में हम लोग को ये नीडल हम लोग को पुश किया जा रहा है, उसका बाद ये नीडल का अंदर से CSF निकलेगा, तो अभी कन्फर्म करना है, तो हम लोग को ठीक पोजिशन में ये नीडल गया है। तो CSF में कोई ब्लड आएगा तो हम लोग ड्रग नहीं देंगे, ऐसे क्लियर आएंगे तो उसके बाद हम लोग को जो हम लोग को ड्रग है एनोइन हैबी बबुबिकन हैबी वो ड्रग हम लोग को इंजेक्ट करेंगे खूब स्लोली धीरे धीरे। बहुत रिक्स प्रोसीड्योर है, कुछ गलती होगा तो पेशेंट डेथ हो सकता है, इसका टेक्निक एंड रिक्स देख लीजिए। जो एनास्थेसिया प्रोसीड्योर है हम लोग सिटिंग पोजिशन एंड लैटरल पोजिशन में दिया जाता है। तो एनास्थेसिक ड्रग हम लोग को देना कम्प्लीट है, अभी इधर ड्रेसिंग कर देंगे, अभी पेशेंट ऑपरेशन के लिए रेडी है। जैसे हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है AOT के लिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो में। इसलिए आज का वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।